पहले तो मैं खुद कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा हमारे जो पूरे कास्ट को, पूरे क्रू को, हमारे प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स अभिज्ञान जी, मृणाल, द चैनल, दंगल, जिन्होंने बैक किया है ऐसे कमाल के शो को, कि आज की तारीख में इस तरह का शो, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको किसी भी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो वो बैक करना बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले तो मैं खुद कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इस शो से जुड़े हर इंसान को, हमारे पूरे कास्ट को, क्रू को, हमारे प्रोड्यूसर्स अभिज्ञान जी, मृणाल जी, हु हैव रिटन अ फैंटास्टिक शो, जिन्होंने ऐसे शो, ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं जो आज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। एंड ऑफकोर्स दंगल, मनीष जी एंड द एंटायर चैनल टीम, जिन्होंने AI जैसे कॉन्सेप्ट पर शो बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स पर, रोबोटिक्स पर, हम मतलब आगे की कहानी आज बता रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो पहले तो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं इस शो का हिस्सा हूँ, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और एक बहुत अहम हिस्सा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब ये शो देखें, क्योंकि ये अपने वक्त से आगे का शो है, इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, बहुत ही कमाल के कैरेक्टर्स हैं, हर कोई कैरेक्टर इसमें, आपको एक दो कैरेक्टर्स नहीं, आपको मतलब बतेरे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, जो हर कैरेक्टर अलग तरह से आपके साथ जुड़ेगा। अगर मेरे कैरेक्टर की बात करें, परेश परमार जो हैं, वो एक थोड़ा सा एक कमाल का जीनियस साइंटिस्ट है, लेकिन वो साइंस का इस्तेमाल दुनिया की बेहतरी के लिए नहीं, अपनी बेहतरी के लिए करना चाहता है, और उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो ये समझता है कि जो दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या शातिर है, उनको पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए, और वो उसकी प्रॉब्लम है, वो बाकी दुनिया के लोगों को ना के बराबर समझता है, और वो उसका शायद आई डोंट नो सबसे बड़ी खामी है, और लेकिन उस वजह से वो काफ़ी खड़ूस टाइप का इंसान है, मेरी तरह मुस्करा नहीं पाता, तो इसे प्ले करने में बड़ा चैलेंज आ रहा है मुझे, लेकिन मज़ा भी आ रहा है क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा अलग है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई लोग ऐसा ऐसा सवाल कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपने तनाव जैसा शो था अगर सोनी लिव पर, उसमें आपने नेगेटिव शेड किया, आपने अफवाह एक फिल्म है उसमें अलग एक नेगेटिव शेड आया, आर्टिकल 370 अब जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसमें एक नेगेटिव शेड है, तो फिर इसमें ऐसा क्या अलग है, क्योंकि ये भी आप एक नेगेटिव, बट बहुत अलग है, बहुत अलग इसलिए है क्योंकि ये जो सारे कैरेक्टर्स थे ना, इनके पास एक जैसे एक इमोशनल रीज़न था, जो वो कर रहे थे उसके लिए एक इमोशनल रीज़न था, जैसे आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं तो उस कैरेक्टर में वो उसका मानना था कि भाई कश्मीर को एक 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 अलग हिस्सा होना चाहिए, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ और बाकी लोग जो हैं वो नहीं समझते हमारी प्रॉब्लम को, उस तरह का। यहाँ ये जो कैरेक्टर है, इसको कोई इमोशनल इशू नहीं है किसी और से, ये ऐसा लग रहा है जैसे पैदाइशी अपने आप को दुनिया से बेहतर समझता है, तो इसको परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल लोगों से ऊपर नहीं समझता, मैं कई बार शायद अपने आप को कम समझता हूँ, कई बार एक्टर्स जो होते हैं ना, हम हमेशा अपने आप को हमेशा थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं कि यार सही हुआ, नहीं हुआ, नहीं नहीं अच्छा नहीं हुआ, उस तरह तो खुद को हमेशा थोड़ा सा क्या राइट वर्ड रहेगा, मतलब मैं हम कम आंकने लगते हैं अपने आप, दुनिया बोलती रहती है अरे बहुत अच्छा किया ये किया, हम बोलते हैं नहीं यार मज़ा नहीं आया, तो ये आदमी है नहीं, मैं ही कमाल हूँ, आप सब छोटे हैं, तो इस तरह का किरदार करना बड़ा चैलेंजिंग होता है और उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक होता है ना, जैसे हर इंसान सपने देखता है कि भाई यार काश ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और उस सपनों में वो दुनिया को भूल जाता है, तो ऐसे सपनों में मैंने परेश परमार को भूला, मतलब मैं जैसे कि आप एक सपना देख रहे हैं कि भाई ये मैं दुनिया का राजा हूँ और बाकी सब जो हैं वो प्रजा भी नहीं, वो चींटियाँ हैं जिन्हें मैं रोंग सकता हूँ, तो ऐसे सपना में देखने लगा तो मुझे परेश परमार नजर आए अपने अंदर। ये पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा कमाल की चीज़ है कि AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक शो बन रहा है, तो उसके लिए तो देखना ज़रूरी है, लेकिन उसके नीचे जो इसका जो कोर है इस शो का, वो एक माँ की कहानी है, जो जैसे परेश परमार विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, यहाँ एक माँ है
जो जिसके लिए सबसे क्या कहते हैं, जिसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपनी बेटी को कुछ ही वक्त में खो सकती है, हमेशा के लिए खो सकती है, और उसको बचाने के लिए वो विज्ञान का, रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये है जर्मनी की। और वो देखना, मुझे लगता है वो हर कोई कनेक्ट करेगा उस चीज़ से, उस क्योंकि या तो आप माँ हैं या आप एक माँ के बच्चे हैं, तो दोनों ये समझेंगे कि वो माँ की एक सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, उससे आप हर कोई कनेक्ट करेगा। आई होप ये लोगों को अच्छा लगे, प्रणाल मैम एंड अभिज्ञान सर, दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग न्यू जिसमें सब मसाला है लेकिन इसका जो सेटअप है थोड़ा अलग है, जो हम एक जैसा शो देखते हैं उससे थोड़ा अलग है। सो आई होप लोगों को भी अलग लगे, हमें बहुत मज़ा आ रहा है ये बनाने में। आज तो सबने देखा ही होगा मेरा कैरेक्टर, लाइक तारा बीमार है, माँ को हमेशा माँ के साथ रहती है, माँ का सपोर्ट है, एंड रोबोट तो आप देखेंगे धीरे धीरे आगे क्या कैसे होता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम हार्नेस था, फर्स्ट टाइम एक्शन स्टंट किया, डर भी था एंड एक्साइटमेंट भी थी बिकॉज मुझे एडवेंचर ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ थोड़ा सा लग भी गया था मुझे, लाइक इन्फेक्शन हो गया था, पर यही मज़ा आया, ये एक मेमोरी हो गई कि मैंने फर्स्ट एक्शन स्टंट इतनी ऊंचाई से किया, इतना डेप्थ पानी था, एंड बाकी तो सर का सपोर्ट था जो हो गया। एक बार उन्होंने स्टंट डबल को सिर्फ करते हुए देखा और फर्स्ट टाइम करते हुए भी उन्होंने पूरा वो कर लिया खुद, तो स्टंट डबल के शॉट्स आपको अपने मिलेंगे, सारे शॉट्स इनके खुद के वाले। ये कहूँगी कि देखते रहे, आगे बहुत कुछ होना बाकी है और ये इस शो में वो सब मिलेगा जो एक्चुअली बाकी शोज में नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही अलग है। AI के ऊपर आज पूरी दुनिया बात कर रही है, तो इस शो में ये हम सब एक्सप्लोर करेंगे AI क्या होता है, इसका प्रोग्रेशन क्या हो सकता है, क्या एवोल्यूशन है AI का, ये सब हमको देखने मिलेगा। ये नॉर्मल सिर्फ एक रोबोट की कहानी नहीं है, इसमें हम एक्चुअली क्योंकि मौली जी एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रही है, तो वो क्रिएट करेगी AI से और उसका एक डेवलपमेंट जो होगा, तो ये मुझे लगता है इंफॉर्मेटिव भी होगा काफ़ी लोगों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, और एज वेल एज एंटरटेनिंग होगा क्योंकि रोबोट के जो स्टेजेस हैं तो उसमें कुछ कुछ गूफ अप्स होंगे, मजा भी होगा। मतलब अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ हाथ है, फिर वो हाथ से पूरा बनेगा, तो वो तो अभी पूरा उसका स्टेज देखने मिलेगा। रिसर्च नहीं है, बट हम लोग पढ़ते रहते हैं तो वी आर अवेयर कि क्या हो रहा है, लेकिन वही जैसे वो कह रहे हैं कि कभी उम्मीद नहीं थी कि टीवी में हम लोग को इस सब्जेक्ट पे कुछ करने मिलेगा, जो भी पढ़ा हुआ था, जो भी पता था उसके बारे में, सिंगुलरिटी के बारे में, ये सब कोई बात भी नहीं करता कि आपने जो देखा भी कभी, अपने कोई कंपेयर कर रहा था उस दिन की हमारी बहू रजनीकांत जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी बहू रजनीकांत में AI से कोई रिलेट, वो एक रोबोट था उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं थी, और ये सिफरा भी जो अभी आई है वो सिफरा तो आपने जो देखा वो कुछ भी नहीं था, ऊपर ऊपर से बता दिया, आपने गर्लफ्रेंड को रोबोट बता दिया तो वो AI नहीं हो जाता है, तो वैसा नहीं है ये। इसमें आपको पूरे स्टेजेस देखने मिलेगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी कि कितनी कोडिंग लगती है, क्या होता है, एक कोड डालने से रोबोट चेंज हो जाता है, दूसरा कोड डालने से रोबोट कुछ और तरह से चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ, ऐसा नहीं हमको इस क्लासरूम नहीं चला रहे, तो सब जैसे आपने ये अभी आज का एपिसोड देखा, इतना सारा एक्शन था, एडवेंचर था, ये सब के बीच में से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते जाएंगे और सब में आपको दबा के एंटरटेनमेंट मिलेगा, इसमें बहुत एक्शन है। जो मैं पर्सनली अगर मैं बताऊँ एज एन आर्टिस्ट, एज लाइक नॉट एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, यू नो आई थिंक सो वन हैज टू बी बोल्ड इनफ टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन द मार्केट, टू जो एक्चुअली कह रहा है हमारे टेलीविजन की जो बीत चलती आ रही है कि अत्याचार बीवी पे, सास पे, बहू पे, आई थिंक सो दैट आइस हैज टू बी यू नो ब्रेक नाउ, अभी वो खत्म करना चाहिए थोड़ा सा, सो वो आई थिंक सो ब्रेक करना चाहिए, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट, एंड ब्रिंगिंग अ टॉपिक विद AI विच इज क्वाइट अ हॉट टॉपिक राइट नाउ इन द वर्ल्ड, और आई पर्सनली लव इट, एंड हमने तो देखा है सर जब स्टार्टिंग से शूट कर रहे थे, एंड वी वर शूटिंग फॉर कयामत, द सेम पीरियड ऑफ टाइम हम ऑन सेट सुनते थे कि शो कैसे चल रहा है, शूट कैसे चल रहा है, स्टोरी क्या है, सो आई एम क्वाइट फैमिलियर विद इट। अरे हम कयामत केस में भी हम लोग तालियां बजाते हैं सर के सारे शोज में तालियां ही बजती हैं। आई थिंक सो जब आप कोई यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आओ, कुछ ऐसा लेकर आओ, आई थिंक सो जो हटके हो बाकी दूसरे शो से, तो आई थिंक सो तालियां और सीटी तो अपने आप ही बज जाती हैं, सो यू डोंट नीड अ वैलिडेशन फॉर इट, वो आपकी इमोशंस बाहर उभर कर आ जाते हैं।
I would like to thank everybody on floor for that, because honestly, it's not just one person's team, it's everybody who's giving their best efforts, you know, to bring the best out of it, and including the cast, director, production, and the technicians, and the story altogether. Yeah, Kaimat ki story bhi bahut unique hai. So, yeah. Wo hisab se wo bhi to koi saath mein story hai nahi. Yeah. So, Kaimat ki story itni unique hai, to love story itni unique hai. मेरा मानना है कि अगर आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, आई वुड नॉट से अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सिर्फ मैं या मैं नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि सुनकर अप्रिसिएशन भटक जाते हैं अपने रास्ते से, उनका फोकस थोड़ा डामाडोल हो जाता है. सो बैक एंड पे अप्रिसिएशन रहता है, ऐसे उड़ते उड़ते सुनने को मिलता है कि आपको अप्रिशिएट किया गया, बट ऑन फेस आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता. रीजन टू दैट इज लाइक बहुत साइकोलॉजिकल थिंग है वो. एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट किया, आई थिंक सो फेस पे आपको इतना अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए किसी आर्टिस्ट को, कभी कभी इंसान भटक जाता है. But as an actor, हमारे set पे भी एक मामला है. Like when we were performing, Karam came to us and he was like very nice, very nice. Yeah, I think so. As an actor, you should appreciate one another. जब आपको पता कि आपके co-actor ने you know give and take बहुत अच्छा किया आपके साथ, so you should appreciate that. And वो एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है. अब हम भी तो feel करते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, जल्दी से इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जल्दी से फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.